इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर शर्मा जी, जिन्हें पहचान की जरूरत नहीं और अभी अभी इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की कार्यविधि को लेकर अब ये आगे बढ़ रहे हैं और क्या जनता की अपेक्षाएं इनसे हैं और ये किस प्रकार से जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। तो अब सर आप भाजपा में कांग्रेस छोड़कर पहुंच गए हैं, तो किस प्रकार से आपको महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार का ये कार्यकाल निकला है, तो उन परिस्थितियों को देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं और आभारी हूँ मैं शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने ये सम्मान दिया है। पहले तो पार्टी में हम लोग शामिल हुए, उसके बाद ये जिम्मेवारी दी है यहाँ से चुनाव लड़ने की, और जो कार्य प्रणाली है या देश के प्रति जो सोच है हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उसको देखते हुए हम लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। स्वेच्छा से हुए हैं, समर्पण भाव से हुए हैं और हमें खुशी है कि काम करने का अवसर मिलेगा। कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जो वर्तमान सरकार है वो बार बार गंभीर आरोप जो है लगा रही है जो विधायक जो है जिन्होंने दल छोड़ा है, और कहीं ना कहीं इस बात की भी संज्ञा आपको दी जा रही है कि आप उसके लीडर हैं, क्या कहेंगे सर? चलो, लीडर तो माना उन्होंने, चाहे 15 महीने बाद ही माना हो झटका लगने में, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग चुने हुए विधायक थे, सब बराबरी के हैं और ये जो है वो सबने मिलकर के प्रयास किया और उस प्रयास का ये परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की सीट जीती। लेकिन हाँ, अब उस बोगलाहट में अपना मानसिक संतुलन खो जाना और ऐसे ऐसे आरोप लगा देना जिनका कोई सरपैर ही ना हो, वो आदमी बुखराहट में करता है और इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को कभी बिना तथ्यों के बात नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, सबूत हैं, आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि वैसे ही तो नहीं आ रहे जैसे कि FIR कर रखी है शिमला में आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिताजी राकेश शर्मा जी के ऊपर। उसमें FIR को अगर वो सार्वजनिक कर दें तो उसमें आशीष शर्मा की आयु 30 वर्ष, राकेश शर्मा जो कि रिटायर्ड IAS है उनकी आयु भी 30 वर्ष लिखी है, और आगे जो है सबकी सबके धर्म भी उसमें लिखे हैं। आपको पता है FIR किस तरीके से होती है, उनके तो ठीक है, जो शिकायत करता है संजय अवस्थी जी CPS उनका धर्म लिखा है जीव यहूदी, वहीं से पता चल जाता है कि किस जल्दबाजी में और आनन फानन में वो FIR वो बनाई गई होगी। तो जब उनके पास कोई आरोपी नहीं थे और अंत में जब कोर्ट में प्रस्तुत किया तो उसमें राकेश शर्मा के ऊपर क्या आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस कर्मियों को धमकाया, कहां जब पूछताछ के लिए बुलाया गया। ठीक है, बुजुर्ग हैं, उन्होंने थोड़ा जोर से उनको बोला भाई किस चीज से बुलाया गया है, तो वही उन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत किया, मतलब उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। एक बात और पूछूंगा सर मैं कि अभी जो एक अभिनंदन समारोह हुआ जिसमें भाजपा ने आपका स्वागत किया और आपके काफी कार्यकर्ता जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने भी इसको ज्वाइन करा, तो आपको तो जगह मिल गई भाजपा में, अब क्योंकि पुराने कार्यकर्ता भी भाजपा के वहां पर है तो क्या उनको भी उस प्रकार से मिल रही है भाजपा में, क्या कहते हैं सर इस पर? नहीं देखिए, ऐसा है जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं वो मुझ पर विश्वास रख करके आए हैं और मेरा ये मानना है कि जो पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ समय से जो है वो अपने आप को थोड़ा महसूस कर रहे थे कि उनको पूछा नहीं जा रहा, तरजीह नहीं दी जा रही। मेरा ये मानना है कि पहले तो जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को धर्मशाला के अंदर खड़ा किया है पिछले इतने वर्षों से, मान लीजिए पिछले 15 वर्षों से, उन लोगों को भी हमको साथ लेकर के चलना है। आगे वो चलेंगे जो मेरे साथ आए हैं, वो पीछे चलेंगे, पहले उनसे सीखेंगे कि पार्टी की विचारधारा क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्य करती है तो जो लोग काम करने वाले हैं, जो कार्यकर्ता है उसको स्थान मिलेगा आगे आने वाले समय में। अभी सबको मिलकर के करना होगा, लेकिन पहला स्थान जो पुराने लोग हैं जिन्होंने काम किया है और जो हर बूथ पर हैं, मैं समझता हूं कि हमको उनको साथ लेकर के
आगे लेकर के चलना है। बहुत सारे लोग तो कुछ लोग कुछ परिस्थितियों में क्षुब्ध होकर घर बैठ गए थे कि भाई कुछ चीजें ठीक नहीं है, तो नए तरीके से अब हम काम करेंगे। प्रजातंत्र है, सबको बराबर का अधिकार है। कहीं ना कहीं सर, आपको धर्मशाला में एक विकास का मॉडल माना जाता है कि जो भी विकास धर्मशाला की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हुआ वो सुधीर शर्मा के समय में हुआ, और इससे पहले भी जो लोग रहे, चाहे कांग्रेस से रहे हो या भाजपा से रहे हो, उतना विकास नहीं हुआ। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, हम तो ये मानेंगे कि आप चुनाव जीते, तो अगर आप चुनाव जीतते हैं और वर्तमान सरकार जो है, जिस तरह का संकट चल रहा है और वर्तमान सरकार कांग्रेस की सरकार ही रहती है, जैसे आपने पिछले भाषणों में भी दावा किया, तो आप विकास कार्य कैसे करवाएंगे? देखिए, ऐसा है, हम बहुत सोच समझ करके पूरा विश्लेषण करके आए हैं। ये सरकार नहीं रहेगी। जिस सरकार को ये पता नहीं चला कि नौ कब चले गए, उस सरकार को ये भी पता नहीं चलेगा कि वो कब चली गई। और हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में लाना है, इसलिए क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे। हम नहीं चाहते कि जिस गति से राष्ट्र आगे बढ़ रहा है उस गति से कहीं प्रदेश पीछे छूट जाए। हमारे अपने साधन नहीं है, हमको प्रदेश को आगे लेकर के जाना है, न केवल वर्तमान के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। यहाँ पर विकास का एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे कि कोई छूट न जाए। और इसमें मुझे कोई संशय नहीं, हमारे साथ जो लोग हैं उनको भी कोई संशय नहीं, और ये बात मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि सरकार अब ज्यादा समय नहीं रहेगी। इसीलिए आनंद फानंद में आपने देखा, एक झटका लगा, वो रेवड़ियों की तरह उन्होंने कैबिनेट रैंक बांट दिए, कुछ चीजें जो रुकी हुई थी फटाफट घोषणाएं होने लगी। लेकिन होना उनसे कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को खुश कर सकते हैं। अभी CPS का मामला हाईकोर्ट में है, उसके ऊपर निर्णय आएगा। 6 लोग वो हैं, कुछ लोग और हैं जिनको के कैबिनेट रैंक दिए गए हैं, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के